स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि इधर प्रतिदिन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी रचनाओं और रचनाकारों के एक एक क्रम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, और सभी रचनाओं के रचनाकारों अनमने रचनाएं और रचनाकारों को याद करते चलिए, समझते चलिए, और कविता और कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ट्रिक से समझा रहे हैं। तो आज सुमित्रा नंदन पंत की संपूर्ण रचनाएं जो आसानी से आपको याद हो जाए, और एक दो बार आप लोगों को देखना होगा। लेकिन इससे पहले हमने प्रेमचंद, तुलसीदास और हरिश्चंद्र जी का, तो पिछले दिन कल हरिश्चंद्र की वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत माने आप लोगों के सामने गई है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन दबा करके देख सकते हैं, और उसके पहले की भी वीडियो क्रम से एक दूसरे से संबंधित हैं, और चैनल पर सर्च करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सुमित्रा नंदन पंत की चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और इनका स्वर्गवास 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। यह छायावादी युग के कवि हैं, और यह छायावादी में कहा जाता है कि ये चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख थे, मुख्य स्तंभ थे, और इन बाकी चारों लोग यानी तीनों लोग उनके सहयोगी थे, जिसमें महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यानी काजा जयशंकर प्रसाद एक हैं, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी, ये चार लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कैसे याद करेंगे। तो ग्राम्या ग्रंथि गुंजन करती, वाणी में उच्छ्वास दिखाती, युगांत स्वर किरण धूलि में काला बूढ़ा चांद बनाती, सत्य काम लोकायतन रचना चितंबरा है मान बढ़ाती, काला बूढ़ा काव्य सृजन ही अकादमी में नाम गिनाती, कलात्मक काव्य संग्रह पल्लव तारा पथ प्रतिनिधि करवाती। ध्यान रखेंगे इसमें संपूर्ण रचनाएं इनकी कंप्लीट, जितने इनके प्रसिद्ध और परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें ग्राम्या ग्रंथि गुंजन ये तीन रचना हो गई, और बाणी और उच्छ्वास ये पांच रचना हो गई, युगांत स्वर्ण किरण और यहाँ धूलि जो लिखे हैं इसको स्वर्ण धूलि जानिएगा, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि ये दो रचनाएं अलग अलग हैं, युगांत अलग रचना है, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद यह इनकी एक रचना है, काला और बूढ़ा चांद याद रखेंगे, ध्यान देंगे। इसके अलावा सत्य काम उनकी रचना है, लोकायतन रचना है, और चिदंबरा जो इसी पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यानी लिखे हैं चिदंबरा है मान बढ़ाती, यानी पंत जी को चिदंबरा ने ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाया, यानी इससे उनका मान और बढ़ गया। इसके अलावा अब काला बूढ़ा काव्य सृजन ही, अब कह रहे हैं कि काला और बूढ़ा जो चांद है यह रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे इसमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसलिए हमने बना दिया है कि अकादमी में नाम गिनाती, यानी साहित्य अकादमी में इनका नाम गिनाने वाला कौन है, काला बूढ़ा चांद, और कलात्मक काव्य संग्रह पल्लव, उनका कलात्मक काव्य संग्रह पल्लव है, पल्लव उनकी रचना है, और तारापथ प्रतिनिधि करवाती, और तारापथ उनकी रचना जो प्रतिनिधि कराती है, यानी उनके काव्य की प्रतिनिधि कराने वाली रचना तारापथ है। इस प्रकार देखा जाए तो उनकी छिटपुट कुछ प्राप्त कुछ नहीं प्राप्त कुल 28 रचनाएं हैं, जिसमें यह 12-13 रचनाओं का हमने इसमें चर्चा किया है, और आप लोग इतना ध्यान रखेंगे बाकी जो बचे हुए हैं जो भी अगर दिक्कतें आएंगी तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्रम में आप लोगों को रचनाओं का क्रम और रचनाकारों का क्रम लगातार चल रहा है, और देखते रहिए सुनते रहिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या आएगी तो आप लोग कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे हर अलग अलग ट्रिक, जो भी आपको ट्रिक माने जो भी वीडियो ट्रिक की मिले तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें, तैयारी लगातार करते रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। बस आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।